ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर से आई हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को उनकी टीम के साथ हिरासत में ले लिया गया है। एयरपोर्ट पर ही उन्हें डिटेन कर लिया गया है। दोनों को उनकी टीम के सदस्यों के साथ पुलिस ने वहीं रोक लिया क्योंकि वो लोग पाली आने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनको आने की इजाजत नहीं है। पाली से क्या अपडेट है वो भी जान लीजिए। चलो हम लोग आए उस दिन और कोई ऐसा शब्द भाषा प्रयोग नहीं किया, कैसे गए क्योंकि हम जिम्मेदार लोग शांति बनवा गए और उनसे कह के ये मांगे हमारी, नहीं मानोगे तो फिर वापस आएंगे, फिर एक समय देख के आए। उसके बावजूद लोग उन्होंने परसों कैसे पंचायत कर लिया, हम लोग तो अंदर है और उनके घर के लोग यहाँ जाएंगे उनसे मिले, वो तो एक तरीके से भड़काने वाली, वो दबाव बना रहे हैं, तभी तो ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है, वो दबाव बना रहे हैं। अच्छा उनसे डरते हैं, जूता भी डरता हमारा, डरने वाला तो समय नहीं रहा, ठीक है नहीं वो क्या 10 मिनट के लिए पुलिस को हटवाते हैं, हम तो लड़ हम इस काम हिस्से हमें मिलेगा नहीं ना कुछ भी, हम तो पहले जेलों में खूब भरे हुए निर्दोष होते हुए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं ना कि भाई जिसने अपराध किया उसे और जो हमारी मांगे हम सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो इस वक्त मैं राजस्थान के पाली ज़िले में हूँ, पाली ज़िले का राजाजी राम सर्कल पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप देखेंगे यहाँ ज़बरदस्त पुलिस इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग की हुई है, नाकाबंदी है और बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन आज प्रस्तावित था यहाँ पर उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को आना है, जयंत चौधरी उन्होंने भी आने का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ उनको आने से रोकने के लिए पुलिस इस तरह के इंतजाम कर रही है, जो भी लोग आ रहे हैं उनकी देखरेख रही है, निगरानी कर रही है और उनको रोका जा रहा है। लेकिन अभी की खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद को एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया है, एयरपोर्ट उदयपुर पे वो हैं और वहीं पर उनको डिटेन कर लिया गया है, वहां से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। आगे की खबरें हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।